उत्तर प्रदेश बांदा में उस वक्त दहशत फैल गई जब घर से लापता एक 7 वर्षीय बालक का शव अगली सुबह पानी से भरे गड्ढे में मिला है। गांव में खेलते समय ये बालक बरसाती पानी से भरे गड्ढे में गिर गया, जिससे बच्चे की डूबने से मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल ये पूरा मामला गिरवा थाना इलाके के अंतर्गत भरखरी गांव का है, जहां बीते दिन करीब 2 बजे मंजीत घर से लापता हो गया था, जिसका शव अगले दिन सुबह करीब 7 बजे लगभग 300 मीटर दूर हरदौल राजा नामक स्थान के पास सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव कब्जे में ले लिया। मृतक बच्चा कक्षा 2 का छात्र था और 2 भाइयों में छोटा था। परिजनों ने बताया कि चक्रोड़ के समतलीकरण के लिए जेसीबी से मिट्टी निकालने पर सड़क किनारे गहरा गड्ढा हो गया, बारिश से इसमें पानी भर जाता है। इस पर परिजनों ने रोष जताया कि प्रशासन की लापरवाही से अब पानी भरा गड्ढा जानलेवा साबित होने लगा। वहीं सीओ सिटी आर के सिंह का कहना है, घर से खेलने गए बच्चे की गांव में बरसात में भरे पानी में डूबने से मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।